हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। आइए आज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ऐसे समझेंगे कि जिंदगी में दोस्तों कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को। क्या आप स्टार्ट करने वाले दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग आज समझने वाले हैं। तो आइयो भाइयों, अभी करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करने के लिए दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, उसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। पहली नंबर, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को निकालेंगे तो सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अब आप कहोगे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में जो बॉन्ड बनाने में सहायता करता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। तीसरा जो है दोस्तों, लास्ट पॉइंट यही है हम लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग करते हैं तो उस पर क्या ध्यान देते हैं दोस्तों? तो उस पर हम लोग अष्टक को ध्यान देते हैं, यानी लिखेंगे हर एक परमाणु को अपना अष्टक पूरा करना होता है, अपना अष्टक पूरा करना होता है। अब आप बोलोगे ये अष्टक पूरा करना क्या होता है? अष्टक मीन्स आठ भाई, यानी हर एक परमाणु को अष्टक पूरा करना पड़ता है अस्थाई होने के लिए। क्या होने के लिए? अस्थाई होने के लिए, यानी उसको लास्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है, या तो लेकर के या फिर दे करके। ठीक है, यही बात है। जैसे देख लेते भाई, जैसे अगर आप देखो CO2 को, एकदम धीरे धीरे छोटा से बड़ा हम लोग चलते जाएंगे। अब कार्बन आप देखिए, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, कार्बन का 6 होता है यानी 2 और 4। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लेगा कहां से? ऑक्सीजन से ही लेगा। तो देखते हैं ऑक्सीजन का भी निकालना है पहले क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट केस में, सॉरी के केस में, के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल कोष में कितना? 8। तो यहां 8 है नहीं, तो आ जाएगा आपका 6। दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया गया है, और उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां देख लीजिएगा। तो चलिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन तो अब 2 गो है, क्या गो है? 2 गो। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन 2 गो इसको दे देगा और दूसरा ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो चाहिए ना, तो 2 2 करके दे देगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देख लीजिए कार्बन 1 गो है और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे होंगे? 4 गो। और ऑक्सीजन के पास टोटल है दोस्तों 6 गो है,
इधर भी आप ऑक्सीजन यदि देखोगे तो इसके पास भी आपका क्या गो है, छ गो है। अब देखो इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट, हम क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करोगे तो अष्टक पूरा होना चाहिए हर एक एलिमेंट्स का। तो आप देखिए अगर हम यहां पे इसको ऐसे करके घेर दे रहे, गिन के देखिए इसका दो इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, शेयरिंग ये इसको दे रहा है, 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 यानी साझेदारी। गिन के देखिए चार और चार आठ हो गया, ये भी क्या करेगा इससे दूगो और इससे दूगो, दो दूगो करके ले लेगा। तो आप देख लीजिए इसका भी आठ गो हो गया, गिन के देखिए चार गो और चार गो आठ गो। तो वैसे ये ऑक्सीजन भी करेगा कि भाई तुम हमको दो इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी अपना ऑक्टेट पूरा करके कुछ देर तक आराम करेंगे। वैसे ही आओ भाई और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप NH3 ले लीजिए। अगर आप दूसरा देखेंगे NH3 तो N का क्या करने वाले भाई, N का होता है सात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट कोष में कितना दो इलेक्ट्रॉन होता है, अब बचा दो हो, दो ले लिए, अब बचा इसके पास कितना पांच, तो वो पांच रख दो यहां, लास्ट में कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा पांच, और यही इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करने वाले। तो इसको अभी और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसको और तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से लेगा, तीन को हाइड्रोजन से लेगा। आप हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन का वन होता है यानी वन, और हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं करता है दोस्तों, वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अष्टक पूरा नहीं करता है बल्कि क्या पूरा करता है, ड्यूप्लेट को पूरा करता है। तो अब क्या करेगा देख लीजिए, अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम देखें, क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NH3 का, तो NH3 के पास क्या वो है आपका इलेक्ट्रॉन, देखिए N के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए पांच इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन लिख दिए। हाइड्रोजन क्या गो है, तीन गो, और हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, चलो एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा इस नाइट्रोजन के साथ लेकर के, ये भी अगर आप देखो तो ये भी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, अगर आप इसको देखो तो ये भी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो अष्टक पूरा करता है भाई, तो नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए देखिए इससे जो इसको एगो जो दिया था वो भी ये ले लेगा, यानी शेयरिंग करेगा, बटा बंटी करेगा कि तुम मेरा वाला रखो और तुम अपना वाला मेरे को भी रखने दो। तो अब गिन के देखो दो 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 छह दो आठ, यानी सबके पास आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी नाइट्रोजन के पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गया। और दोस्तों जिसके पास, जैसे हाइड्रोजन तो था ड्यूप्लेट वाला तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन होता या फिर आपका ऑक्सीजन होता है ना, तो वो सब क्या करता, अपना अष्टक पूरा करता। और सबसे पहले आप इसी चीज पे ध्यान दोगे कि परमाणु जो है वो अपना अष्टक पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर पूरा नहीं कर रहा है तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि हम लोग से वहां मिस्टेक हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CH4 हम लोग ले लिए मीथेन, तो CH4 यदि देखेंगे दोस्तों तो कार्बन का होता है छ यानी दो और चार, हाइड्रोजन का कितना होता है वन यानी एक। अब देखो कार्बन के पास क्या गो इलेक्ट्रॉन है, चार गो इलेक्ट्रॉन है, चार गो आप रख दीजिए, चार इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हाइड्रोजन के पास क्या क्या गो है, एक एक करके है, और चार गो हाइड्रोजन है तो चारों इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, चलिए चारों इलेक्ट्रॉन के पास आ गया। अब हाइड्रोजन क्या करता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, चलो कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब कार्बन को तो अष्टक पूरा करना है ना, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये सब से एक एक ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा दोस्तों। उसके बाद आप देखो यहां पे अगर आप बॉन्ड की बात करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे आप देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इसको आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखा जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ फिर डबल बॉन्ड ओ। अगर आप इसको लिखोगे दोस्तों तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एन
एच 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 और यहाँ पे दो गो इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको लिखोगे तो ये कैसे लिखाएगा, सी एक दो तीन चार, यानी एच 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 सिंगल बॉन्ड करके बनाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं भाई, ले लेते हैं एच सी डबल ओ एच। ये जो हम लोग ले रहे हैं ये मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो यहां पे कितने परमाणु हैं, एक है कार्बन परमाणु, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु और तीसरा है ऑक्सीजन परमाणु, यानी तीन तरह के परमाणु यहां उपस्थित है। तो इन तीनों का सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। तो सबसे पहले चलो हाइड्रोजन का करते, तो हाइड्रोजन का वन मतलब एक, और कार्बन का कितना होता है छ मतलब कितना दो और चार, फिर ऑक्सीजन का देखूं तो आठ यानी दो और छ। तो हर एक ऑक्सीजन को भी अष्टक पूरा करना है और कार्बन को भी पूरा करना है, बस हाइड्रोजन जो है इसको क्या करना है भाई, इसको केवल ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो सबसे पहले यह बीच में कौन है, कार्बन है, बीच में कौन है, कार्बन है, तो आप बीच में कार्बन को लीजिए, ठीक है। उसके बाद कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो चलो हाई, एक तो आपका किसके साथ आ गया, एक चलो आपका हाइड्रोजन के साथ आ गया। अब यहां एगो है OH, क्या है भाई OH, अभी उसको रहने दो, यहां O है, इस एक एक O को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे एक O को क्या किया, इस इस कार्बन ने ऑक्सीजन को दे दिया। अब ऑक्सीजन के पास छह छह गो इलेक्ट्रॉन बचाएगी, इनके देखिए दो और दो चार दो छ, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ऑक्सीजन किसके साथ मिला है, हाइड्रोजन के साथ मिला है, तो यहां पे एक इधर इधर ही ले लेते हैं, नहीं दिखेगा उधर, तो इधर आओ, सॉरी यहां हाइड्रोजन ले लिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, एक चलो कार्बन के साथ ले ले, कार्बन के साथ शेयर करेगा और एक किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब बचा इसके पास कितना, छ में से एक एक शेयर कर दिया तो बचा है चार गो। अब क्या करना है देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो आप इसका गिन लीजिए, आठ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप अगर इस कार्बन इस ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, आठ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कार्बन की बात करूं तो आप देखिए कार्बन का आठ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बस हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और एक दो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ले लीजिए। आइए और कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको कोई वाटर यानी जल का संरचना सूत्र पूछ दिया, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो एक आएगा, फिर ऑक्सीजन का निकालिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो इसका आठ होता है, कितना कितना हो गया, दो और छ। तो ये ऑक्सीजन जो है अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में वही दिखाया जाता है कि हर एक परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो भाई यहां पे आप देखिए, अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन आपका क्या है, बीच में आ जा रहा है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले उतना इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, छ गो है, पांच एक छ हो गया। अब हाइड्रोजन क्या गो है, दो गो, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए तो ये देखिए अपना सबसे पहले ड्यूप्लेट कंप्लीट कराएगा, चलो कर लिया, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा यानी अष्टक पूरा करेगा, गिन के देख लिए, दो दो चार चार और चार आठ। वैसे ही अगर आपको हम बोलेंगे कि आप हमको बना के दिखाइए CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री का। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि एक कार्बन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यही चीज आपको ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, सी टू एच एच फाइव सी ओ एच ऐसे पूछ दिया। अब बोला इसका स्ट्रक्चर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना है इसको स्ट्रक्चर के रूप में, क्योंकि इससे हमको समझ में आ जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा। तो आओ भाई बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए कार्बन का कर लेते हैं, कार्बन का होता है छ, तो दो और चार, फिर कर लेते हैं ऑक्सीजन का होता है आठ, तो चल ना भाई कर लेते हैं दो और छ, और हाइड्रोजन का होता है एक यानी एक, ठीक है। अब बीच में कौन है, कार्बन है, तो आप एक काम करो यहां बीच में कार्बन को ले लो, इस कार्बन के पास एक जगह दो गो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बचा इसके पास दो गो, तो एक इस साइड लिख दो, एक इस साइड, ठीक है भाई, चार इलेक्ट्रॉन था चारों ही रख लिया अपना। अब उसके साथ में फिर कौन है, कार्बन है, यानी ये एक और कार्बन है, इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन है, चलो चार इलेक्ट्रॉन, फिर यहां और एक कार्बन है, इसके पास भी आपका चार इलेक्ट्रॉन है, और यहां ऑक्सीजन है ऊपर में, इसके पास छह इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कितना छह इलेक्ट्रॉन है, चलो हो गया। उसके बाद हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन इसके पास है, 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 और एक हाइड्रोजन इसके पास है। तो यहां पे आप देखिए सब कार्बन पहले क्या कर रहा है, अपना अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस कार्बन का देख लीजिए गिन के आठ इलेक्ट्रॉन हो चुका अष्टक पूरा। अब इस कार्बन को देखेंगे तो ये यहां से घूम के जा रहा, ये गिन के देखो अष्टक पूरा, ये कार्बन भी क्या करेगा अपना अष्टक पूरा करेगा, यानी हर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब ये भी तो अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, देख लीजिए कर लिया, और ये सब हाइड्रोजन जो है ये सब अपना ड्यूप्लेट को पूरा करेगा। तो ये ले भाई अपना ड्यूप्लेट, ये भी कंप्लीट कर लिया, 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 ये भी कंप्लीट कर लिया। देखो कितना आसानी से इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और कुछ अगर आपको बोले SO2 का बनाइए, आपको बोलती है कि SO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, और सल्फर का 16 होता है, यानी दो आठ कितना हो गया, आठ दो दस और छह 16। देखिए दोस्तों परमाणु संख्या को याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए भी आपको इस YouTube चैनल पर आपको पीरियोडिक टेबल के परमाणु क्रमांक को कैसे याद किया जाता है इसका वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका इस वीडियो का भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब ऑक्सीजन का फिर निकाल लेना है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, आठ हो जाता है, यानी दो और छह, दो और छह। अब देखो इसको भी तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन दो गो, तो वो सब मत देखो किसको कितना चाहिए, सबसे पहले एस लिखो बीच में, क्या ले लें इसको इधर कर लेते हैं, एस ले लिया, एस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन छ है, चलो बहुत बढ़िया बात है, छ है ठीक, तो छ गो दो गो ऑक्सीजन है, तो दो गो ऑक्सीजन मान के चलो, एक वहां ले लिया, नहीं एक यहां रख लिए, एक यहां रख लिए, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब इसके पास छह इलेक्ट्रॉन था, हो गया एक ऑक्सीजन चलो इधर लिया, अब इस ऑक्सीजन के पास क्या गो बचा, छह गो में से एक गो यहां शेयर करेगा, तो पांच गो बचेगा, तीन चार एक
पांच, यहां लिख देते हैं पांच। इसके यहां एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितना पांच बच जा रहा है। लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसके पास आप देख लीजिए कहां कंप्लीट हो रहा, नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा नेगेटिव साइन ही करेगा या फिर कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेशन यानी उपसहसंयोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? उपसहसंयोजन बॉन्ड बनाएगा भाई। इसका मतलब ये हो गया ना। चलो सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है भाई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से दो माइनस लगा देंगे। दो माइनस लगा देने के बाद ये सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे SO2 ऐसे करके लिखना होगा टू माइनस। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे होगा। सात आप कैसे रखेंगे क्योंकि अष्टक पूरा होने के लिए तो आठ चाहिए और यहां साते साते हो रहा है, तो क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और लगा देंगे। ठीक है, तो कहां से किसी और के पास से कार्बन ले लेगा, तो इसका ओरिजिनल में इस तरह का सूत्र होगा तब जाके स्ट्रक्चर बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ये कंप्लीटली शुद्ध नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग जरूर सॉल्व करके कमेंट में बोलिए कि हाँ सर बन गया। एक क्वेश्चन है दोस्तों CH3Cl, दूसरा आपका है CH3CH3, दो गो दिए, जरूर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि बना या नहीं। तो चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।